जिनके पास तर्क है, सीखने की मेधा बुद्धि है, वो हर चीज में से कुछ न कुछ सीखते हैं। रेलवे स्टेशन पर आप जाइए, हमारे जैसे हजारों लाखों लोग रेल में खाके पीकर पात्रों को फेंक देते हैं। पानी की बोतल खत्म हो गई, पानी की बोतल को हम कचड़े में डालते हैं, बाहर फेंकते हैं। जिस बोतल का खरीद से समय हमने पैसा दिया, पानी समाप्त होने के बाद वो बोतल हमारे लिए वेस्टेज हो गई, बेकार हो गई, हमने उसे कचड़ा समझा और फेंक दिया। उसी कचड़े को हमारे किसी भाई ने उठाया और बेच दिया और अपना घर चलाया। जिनके पास विवेक है वो कचड़े से भी संसार कर लेते हैं, और जिनके पास विवेक की कमी है उनका हरा भरा घर भी नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। पूरे शहर में बोरा लेकर के आपके घर में से जो कचड़ा आप झाड़ू मारकर फेंक देते हैं डस्टबिन में, उसे नगर पालिका के लोग लेने आते हैं, ट्रॉलियों में, ट्रैक्टरों में, ट्रकों में ले जाते हैं। उसमें से ही कुछ उपयुक्त कचरा वो उठा लेते हैं, उससे ही हजार रुपए घर पर लेके आ जाते हैं। तुमने जिसे कचरा समझा वह है किसी के लिए उद्योग बन गया। इसलिए जिनके पास तर्क है, जिनके पास में सीखने की बुद्धि है, जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ जीना चाहते हैं, वो कीचड़ में भी घर सजा लेते हैं। और कुछ लोग संसार में ऐसे हैं जिन्हें फूलों के बगीचे में खड़ा कर दो फिर भी मायूस ही रहते हैं, न हंसेंगे, न बोलेंगे, न खुशी जाहिर करेंगे, न प्रसन्नता जाहिर करेंगे। फूलों के बगीचे में जो आनंद खुशबू का लेना चाहिए वो उसे भूल जाते हैं। और कभी जन्मा, कभी 10-20 साल पहले कोई क्लेश, कोई दुख आया, उसको याद करते रहते हैं। आनंद की जगह पर भी आनंद नहीं ले पाते कुछ लोग, अपने पिछले पिछले बातों को याद कर करके वर्तमान के सुख को भी नष्ट कर देते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में कदापि लेस मात्र सुख नहीं, समृद्धि नहीं, आनंद नहीं आता। उनके लिए व्यास जी कहते हैं, भगवान श्री सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, शंकर भगवान कहते हैं, उनका कहा हुआ मैं आपको कह रहा हूं, यद सुखम तदम पुरुषम मेघम मेधिताम गति दर्शितम बुद्धि मेधानम भोगस्य यत सुखम नवे दुख। जिस बुद्धि में सिर्फ भोग ही भोग लिखा है वह बुद्धि आनंद के क्षण को भी भूलकर केवल क्लेश को ही प्राप्त करती रहती है और हमारे प्राणों को कष्ट देती है, हमें दुखी रखती है। देखिए, मन कभी दुखी होता नहीं है, बुद्धि कभी दुखी होता नहीं है, दुख केवल प्राण को होता है, कांटा उंगली को लगता है, और चीखता चिल्लाता कौन है? कभी तो लगा होगा कांटा कि नहीं? जब कांटा पैर में लगा है तो चिल्लाना भी पैर को चाहिए था। एहसास तुम्हारे प्राणों को हो रहा है, और जब प्राणों को पीड़ा होती है तो मुख, इंद्रियां चीखती हैं, क्योंकि प्राणों का संकेत इंद्रियों को होता है, ज्ञान इंद्रियां मुख होता है, उसे अनुभव हो जाता है दर्द का ज्ञान इंद्री को। 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं जो गर्मी और ठंडी का एहसास कराती है, वो चमड़ी होती है, रस का एहसास कराती है वो जीवा होती है,
गंध सुगंध का एहसास कराती है वो नाक होती है, रूप का एहसास कराती है वो आँख होती है, शब्द का एहसास कराते हैं वो कान होते हैं। ये पांच हो गए, पांच कर्मेंद्रियां हैं जो ज्ञान इंद्रियों की प्रेरणा से वर्क करती हैं, काम करती हैं, तुम्हारी सहयोग करती हैं। आपको बाथरूम आया है ये कौन संकेत करता है? कर्मेंद्री नहीं करती है, ब्रेन संकेत करता है। ब्रेन यहां माथा काम करता है। आपकी इंद्री काम नहीं करती है, ब्रेन तैयार करता है, जाओ 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 जल्दी जाओ बाथरूम करो बाथरूम करो। तो फिर हमारी जो वर्क इंद्री है, कर्म इंद्री जो है, मलमूत्र के जो द्वार हैं, हाथ हैं, पैर हैं, ये कर्म इंद्रियां हैं, ये ब्रेन के इशारे पर चलते हैं। ज्ञान इंद्रियों को किसी की आवश्यकता नहीं है, कर्म इंद्रियों को आवश्यकता है बुद्धि की। इसीलिए आप सभी कर्म करने के लिए सृष्टि में आए हैं, आपको आवश्यकता ज्ञान की है, विवेक की है। और जिनके पास विवेक और ज्ञान दोनों एक साथ पैदा हो जाते हैं वो वर्तमान का आनंद भोगते हैं, भविष्य में सुख समृद्ध करते हैं, भूतकाल के दुखों को नष्ट करते हैं। गया हुआ जो समय है, बिगड़ा हुआ जो भाग्य है, उस भाग्य का निर्माण वो लोग करते हैं जो लोग विवेकशील हैं, विवेकवान हैं। और विवेकवान कौन सा प्राणी है आप में से जो बुद्धि के भरोसे काम नहीं करता? बुद्धि हर समय संशय रखती है, ध्यान रखना। आप गाड़ी में बैठो संशय रखती है, गाड़ी चलाओ संशय रखती है, खाना खाने बैठो संशय रखती है, आप कपड़ा बदलो कपड़ा पहनो तो भी संशय, कितना भी महंगा कपड़ा पहनो पर बुद्धि में चार बार संशय आएगा ही, क्या मालूम किसी को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। आज हमें अच्छे लगने चाहिए वो हम सुबह से नियोजन कर रहे हैं बुद्धि में, हमें आज ऐसे सजना है, ऐसा पहनना है, ऐसा करना है, सुबह से चल रहा है। उसके बाद कपड़ा पहन लिया, सज लिए, उसके बाद डाउट आ रहा है। इतनी बुद्धि से, इतने मन से भोजन पकाया मेहमानों के लिए, पर जैसे परोसने लगते हैं डाउट आ जाता है, क्या मालूम कुछ कम ना रह जाए, कहीं कुछ कम तो नहीं रह जाए। बुद्धि भ्रम से भरी हुई है, मन असत्य से भरा हुआ है, चित्त अपवित्रता से भरा हुआ है, आत्मा निर्वल हो गई है, शरीर अस्वस्थ रहता है, फिर कैसे सुख पाएं, कैसे आनंद पाएं, कैसे आगे बढ़ें? उसके लिए आपको चाहिए कि आप ऐसे सत्संग में जाइए जहां कोई सत्पुरुष अपनी बात कह रहा हो, शास्त्र की बात कहता हो, ब्रह्मा जी के कहे हुए वेदों की बात कहता हो, हमारे प्राचीन फिलोसफर ऋषियों की बात कहता हो, ऐसे महाज्ञानी के चरणों में दास बनकर बैठो। सुनिए, किसी संत का दास बन करके व्यक्ति उदास नहीं रहता, ये मैंने अपने जीवन का अनुभव किया है। और आप संसार के दास बन जाइए, कभी भी आपकी उदासी समाप्त होने वाली नहीं है। बन जाओ दास, पत्नी पति की दास बन जाओ, पति और किसी का दास बन जाओ, नौकर चाकर मालिक के दास बन जाओ, पर प्रसन्नता चेहरे पे कभी आने वाली कभी नहीं आएगी। आप जितने भी दास दासी बनके संसार को लुभाने की कोशिश करेंगे, आपके ऊपर उतना ही अतिक्रमण होता चला जाता है। पत्नी जितना समर्पित कर दे, पति उतना ही एक्टिंग करने लग जाता है। समाज में जिसको जितनी मान्यता मिलती है वो उतना ही इतराता है।